मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है, मैं पेशे से एथिकल हैकर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं। और आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि चैनल को मोनेटाइज कैसे करें। जी हाँ, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जो वीडियो चैनल बनाते हैं, वीडियोज कंटिन्यूस डाल रहे हैं, बट उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, ग्रो नहीं कर रहा, मिनिमम व्यूज आ रहे हैं। देखो, सबसे चैनल मोनेटाइज करने के सबसे पैसे तो आपके पास कम से कम 3000 वॉच टाइम होना चाहिए, यूट्यूब ने कर दिया है 3000 वॉच टाइम चाहिए आपको, 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए। बट वो आपके पास 500 सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं, 3000 वॉच टाइम को लाने में बहुत टाइम लग जाता है। रीजन, क्योंकि वीडियोस आप छोटे छोटे डालते हो, और वीडियोस देखो सबसे पहला टॉपिक आपको स्टेप क्या फॉलो करना है, आपको अगर चैनल को मोनेटाइज करना है तो कंटेंट एकदम ओरिजिनल डालो, अपना एकदम ओरिजिनल कंटेंट, हमेशा थंबनेल का यूज करो, क्लिक बैट जिसको कहते हैं, स्टार्टिंग में क्लिक बैट का यूज करते हो आप तो चैनल जल्दी आपको ग्रो करेगा। अगर आपको क्लिक बैट के बारे में अगर पता नहीं है तो क्लिक बैट के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आपको चैनल मोनेटाइज करना है तो जब भी आप वीडियोज डालें तो कम से कम मिनिमम 5 मिनट का होना चाहिए, और मैक्सिमम आप 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट की वीडियो डालें, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चैनल पे वॉच टाइम तभी आएगा जब चैनल आपको वीडियोज कम से कम बड़ा होना चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा का बड़ा होना चाहिए। जब यूजर आपके व्यूअर्स आपकी वीडियोज को कंटिन्यूअस देखेंगे तो चैनल वॉच टाइम में काउंट होगा। जी, अब दूसरी चीज, चैनल जो आप वीडियोज कंटेंट डाल रहे हो ओरिजिनल होना चाहिए, और एक किसी एक फील्ड का होना चाहिए। अगर आप फूड में डाल रहे हो तो फूड की वीडियोस डालो, अगर आप टेक की वीडियो डाल रहे हो तो टेक की वीडियो डालो, अगर प्रैंक की वीडियो डाल रहे हो तो प्रैंक की वीडियो डालो। और कोशिश करो कि जो आपने वीडियोस बनाया उससे एक छोटा सा 60 सेकंड का शॉर्ट्स बना के भी शॉर्ट्स एज ए शॉर्ट्स उसको अपलोड किया करो। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। आपने देखा कि कम से कम वीडियो 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि वॉच टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉच टाइम लाने में बहुत मेहनत लगता है। और हमेशा जब भी आप यूज करें टाइटल, जो टाइटल होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि टाइटल से ही सर्च आपका वीडियो रैंक करता है यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे। आपने जैसे वीडियोस कोई बनाया फूड का, तो आप टाइटल ऐसा डिसाइड करो, एक इनोवेटिव टाइटल डिसाइड करो, या फिर आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अपना टाइटल जनरेट कर सकते हो, title.ai से जनरेट कर सकते हो, हैशटैग चाहिए तो #ai से जनरेट कर सकते हो, और थंबनेल जरूर बनाओ। थंबनेल ऐसा बनाओ कि लोग एक बार विजिट करोगे, अगर एक बार वीडियो उनको आपकी व्यूअर को अच्छा लगा तो कंटिन्यूस एंड तक जरूर देखेगा, और एंड तक देखेगा तभी आपके वॉच टाइम पे वीडियो पे अपलोड आएगा। और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रखो आप कि जो आपको एंड में दिखाना है, कि व्यूअर एक बार स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें तो एंड वाला देखने के लिए कम से कम वेट करें कि एंड तक मुझे देखना हो क्या चीज है वो, तभी वॉच टाइम कंप्लीट होगा। और आपने कंटिन्यूअस कम से कम डेली एक वीडियो तो स्टार्टिंग में जरूर डालें, अगर आपको चैनल ग्रो करना है तो स्टार्टिंग में डेली एक वीडियो जरूर डालें। जब चैनल आपको ग्रो कर जाए, वॉच टाइम आ जाए, मोनेटाइज हो जाए, तो आप तीसरे दिन, 2 दिन पे वीडियो डाल सकते हैं, 3 दिन पे वीडियो डाल सकते हैं, बट वीडियो जरूर डालें कि चैनल आपका एक्टिव रहे मार्केट में। मेरा चैनल है मृत्युंजय दाना, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे 151,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, मैंने भी मोनेटाइज करने के लिए क्राइटेरिया को फॉलो किया, मेरे वीडियोस को, मेरे सारी वीडियोस अपने लॉन्ग्स डालें, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस डालें, और अपने व्यूअर्स को इम्प्रेस करने के लिए मैंने टाइटल ऐसा डाला कि हमारे व्यूअर्स ना चाहते भी मेरे चैनल का जो एनालिटिक्स इस टाइम है वो 49% मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और बाकी 51% दूसरे जो सर्च बार के थ्रू आते हैं, मेरे नोटिफिकेशन के थ्रू आते हैं, सर्च बार के थ्रू आते हैं। तो याद रखें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड। अब आते हैं कीवर्ड। आप जो टाइटल डिसाइड करते हैं कीवर्ड में, कीवर्ड कम से कम कीवर्ड ऐसा सेट करें, अपने कीवर्ड में अपने चैनल का नाम जरूर डालें। जैसे आपने कीवर्ड को फूड का ब्लॉगिंग है आपका चैनल है, तो अपने चैनल का नाम भी जरूर इस पर डालें। ये हो गया कीवर्ड। अब एक आता हैशटैग। हैशटैग भी आपको #ai से जनरेट कर सकते हैं अपने टाइटल डाल के, जिससे आपको अच्छे अच्छे हैशटैग वायरल हैशटैग मिल जाएंगे, तो उससे आपके चैनल जल्दी ग्रो करेंगे। तो आपने कोई क्या समझ में आया कि चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमें सबसे पहले तो वीडियो बड़ा डालना पड़ेगा। 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा तो चैनल पे वॉच टाइम आएगा, वॉच टाइम लाने में बहुत मेहनत लगती है। एक बार चैनल आपका ग्रो कर गया, मोनेटाइज हो गया, तो आप चैनल कंटिन्यू कंटेंट डालते रहें, पैसा धीरे धीरे आधे तो कर पैसा तो बनेगा ही बनेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हो सकता है आपके नोन में बहुत ऐसे लोग हों जो चैनल में ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनको फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करें, मैं उनसे कॉन्टेक्ट करूंगा, उनको चैनल को ग्रो करने में उनको खुद ही प्रमोट करूंगा, हेल्प करूंगा कि चैनल को ग्रो कैसे करना। थैंक यू सो मच।